नमस्कार भारत, जय श्री। क्या भगवा ध्वज बंगाल में 800 सालों के बाद फिर से लहराएगा खुल के? क्या वो सत्ता में आएंगे भगवाधारी 800 सालों के बाद? ये बात मैं क्यों कर रहा हूं ये अभी 10 मिनट में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। एबीपी सी वोटर हो या एबीपी सीएनएक्स का रिपोर्ट हो या आज तक का ओपिनियन पोल हो या इंडिया टीवी जन की बात हो या और जो ओपिनियन पोल है, ये क्यों कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता के करीब है? एबीपी सी वोटर ने अपने पहले ओपिनियन पोल में बताया कि 92 से 102 सीट बीजेपी, दूसरे ओपिनियन पोल में इन्होंने बताया कि 102 से 112 और तीसरे ओपिनियन पोल में 104 से 120 सीटें पहुंचा दी, जबकि सीएनएक्स ओपिनियन पोल कह रहा है इस वक्त कि बीजेपी का वोट शेयर ममता दीदी से ज्यादा है, 43% बीजेपी को वोट शेयर मिल रहा है। हालांकि सीटें उन्होंने 130 से 135 दी जबकि ममता दीदी को 135 से 145 दी है, पर ममता को बहुमत नहीं दिया है। अब बात करते हैं जन की बात, इन्होंने बीजेपी को 150 सीटें दी है, मगर हमारा ओपिनियन पोल शुरू से ही एक ही बात कह रहा है कि बीजेपी 160 से 180 सीटें लेके आएगी। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, मेरे दावे का क्या कारण है, ये तो हम डिस्कस करेंगे। मैंने बार बार कहा, ये अपने हर ओपिनियन पोल में कह रहे हैं कि बड़ा क्लोज फाइट है नंदीग्राम में, मैं बार बार कह रहा हूं कि नंदीग्राम का बैटल जो है शुभेंदु अधिकारी 30,000 वोट से जीतेंगे, आप लिख लीजिए, तो 30,000 वोट से जीतने वाले को क्लोज बैटल में नहीं कहते। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले एक विशेष बात, हमारी टीम बड़ी हो गई है और बंगाल में हम उन लोगों तक पहुंचना चाहते हैं जो बंगाल में चुनावी हिंसा के दौरान जिनके परिवार पे आफत या बिजली टूटी है। इसलिए अगर आप मुझे या हमारी टीम को डोनेट करना चाहते हैं, जो सक्षम है, जो जॉबलेस है उनकी बात नहीं कर रहा हूं, तो आप मुझे पेटीएम या फिर अकाउंट डिटेल पे हमारा समर्थन कर सकते हैं। अब बात करते हैं पीपल्स पल्स के ओपिनियन पोल, पीपल्स पल्स का ओपिनियन पोल मेरे ओपिनियन पोल के लगभग बिल्कुल करीब है, 183 सीटें ये भारतीय जनता पार्टी को दे रहा है। पीपल्स पोल्स पे मैंने रिसर्च किया कि ऐसा क्यों कह रहा है, तो पता चला इनका रिसर्च और हमारा रिसर्च बिल्कुल सेम है। ये भी क्यों हो रहा है, इसका कारण आपको समझाता हूं। दरअसल ये लोग गए ही नहीं है, ये जो नोएडा के दफ्तर के ओपिनियन पोल मेकर हैं, ये रूरल एरिया में गए ही नहीं, ये हर बात अपने ओपिनियन पोल में कहते हैं कि देखना पड़ेगा रूरल जो है बंगाली क्या वो ममता का साथ छोड़ रहा है। सबसे पहली बात, रूरल बंगाली जो गांव में अंदर तक जहां पे डेवलपमेंट पहुंचा ही नहीं है वो मोदी का समर्थक हो चुका है, इन्हें ये बात समझ में ही नहीं आ रही है, ये आज भी बीजेपी को शहरों की ही पार्टी मान के बैठे हैं। इतना बड़ा ब्लंडर लगातार चुनाव में बीजेपी के जो प्रदर्शन हुए हैं उसके बाद कोई कैसे कर सकता है, थोड़ा घर से बाहर निकलिए, बंगाल की गर्मी में बंगाल की तपिश में खुद को जलाइए और तब जाकर के सही कंटेंट आपको मिलेगा, सही रिजल्ट आपको मिलेगा। मैंने बार बार अपने ओपिनियन पोल में एक बात पर जोर दिया है कि बीजेपी का वोट शेयर लगभग 43% पहुंच चुका है, मोदी की जैसे जैसे रैलियां बढ़ेंगी इसका इंपैक्ट और बढ़ेगा, 0.3% 4% 5% और बढ़े, यानी लगभग 43.5% या लगभग 44% के आसपास वोट शेयर रहने की उम्मीद है भविष्य में। अब आप समझते हैं कि सीएनएक्स जो ओपिनियन पोल दिया है जिसने भारतीय जनता पार्टी को 135 सीट दी है, वो कह रहा है कि बीजेपी की वोट शेयर जो है 43% है। अब खेल समझिए, ममता दीदी को 42% वोट शेयर उन्होंने दिया है, बीजेपी को 43% वोट शेयर देने के बावजूद बीजेपी को कम सीटें दी है। इसका इन्होंने लॉजिकल कारण निकाला कि बीजेपी को जहां वोट मिल रहा है वो एक तरफा जा रहा है। ये वो भूल गए कि भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ तृणमूल को भी जो मुसलमानों का लार्ज चंक वोट कर रहा है वो एक तरफा ही कर रहा है, और उन्हें समझ में आ चुका है कि इस वक्त ममता दीदी को लाना जरूरी है, इसलिए मुसलमानों में कोई कंफ्यूजन मुझे दिखी ही नहीं थी, मैंने अपने पहले ओपिनियन पोल में कहा था। हां,
आधा परसेंट या 1% कहिए जो वो भद्र मुसलमान हैं, जो एक्चुअल में बंगाल की मिट्टी से ताल्लुक रखते हैं, वो चाहते हैं बंगाल में एनआरसी आ जाए और इन बांग्लादेशियों को भगाया जाए, क्योंकि उनके व्यापारिक दृष्टिकोण से यही लाभप्रद है। इसलिए वो इस वक्त बीजेपी के फाइनेंसर भी हैं, ये बात आपको समझना हो। जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है ओपिनियन पोल में वो सैंपल साइज, आप सैंपल साइज जो लेकर के चलते हैं और आपने किन लोगों से ज्यादा मुलाकात की, ये इंपॉर्टेंट है। अब फुरफुरा शरीफ का अपना फैक्टर है, उस मजार की अपनी औकात है बंगाल में, इसलिए एक चंक जो है जो फुरफुरा शरीफ वाले मुसलमान हैं जो उससे ताल्लुक रखते हैं वो उनके साथ हैं, वो वोट देंगे फुरफुरा शरीफ लेफ्ट कांग्रेस को, क्योंकि फुरफुरा शरीफ का अपना कोलैबोरेशन है उनके साथ, अलायंस है आईएसएफ का। तो एक बात और इससे निकल के आती है, ये जो भी डेंट करेंगे आधा परसेंट 1% 10 सीट 15 सीट 20 सीटों पे, वो बीजेपी को नहीं कर रहे हैं, वो टीएमसी को ही कर रहे हैं, और ये बात टीएमसी को समझ में आ चुकी है। इसीलिए ममता बनर्जी ने उस रोज जब पहली बार नंदीग्राम गई थी हिंदू कार्ड खेला था, आप समझिए इस बात को। अब बात करेंगे कि ये जो पट्टी बांध के घूम रही है इसका कितना इंपैक्ट है, ये बात भी करना जरूरी है। आपको मैं बता दूं कि पीएम मोदी ऑलरेडी कह चुके हैं नंदीग्राम के लोगों को अपमानित किया, और ये बात देखिए पीएम जब कोई बात बोलते हैं ना उसका अपना वजन है उनकी बातों का। टीएमसी के समर्थक या फिर जो दूसरे टीएमसी के मुसलमान है वो ये बात नहीं मानेंगे, लेकिन जो इससे अलग हैं उनको समझ में आता है कि नहीं यार पीएम ऐसे बोल रहे हैं, जबरदस्त बात है, ये बात समझने की बात है। निगेटिव इंपैक्ट हो रहा है, ये पट्टी का निगेटिव इंपैक्ट हो रहा है, और बंगाल में इवन लेफ्ट भी कह रही है कि नौटंकी कर रही है, और उनकी नौटंकी ड्रामा बंगाल ने काफी बार देखा है, ऐसा कुछ नहीं है, इस बार ये नहीं चलेगा। तो दोनों कार्ड हो गए, एक तो आप खुद भगवाधारियों के आगे जो हिंदू कार्ड खेल के जीत नहीं सकती। बंगाल का इलेक्शन पोलराइज इलेक्शन है और इस इलेक्शन में मुद्दे बाहर हैं। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी ममता बनर्जी के साथ चल रही है, उसके सरकार के साथ। कट मनी एक बहुत बड़ी बात है, जब आप गांव में जाएंगे और किसानों से बात करेंगे, गरीब लोगों से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे किसकी सरकार बेहतर है, तो कहते हैं कि देखिए केंद्र का तो बहुत सारा जो है योजना ममता दीदी लागू नहीं करती, ममता दीदी को हटा देना है। उनसे पूछिए कौन सा योजना, तो वो कहेंगे कि किसान निधि सम्मान योजना है, हमको घर का पैसा नहीं मिला है, हमको टॉयलेट का पैसा नहीं मिला है, बिहार में तो लोगों को मिला है, उत्तर प्रदेश में लोगों को मिला है, ये सारी बातें खुल के वो बोलते हैं ऑफ कैमरा। आप उनसे बात कीजिए, इसीलिए ओपिनियन पोल में चेहरे दिखाने जरूरी नहीं होते, जरूरी है कि आपने लोगों से क्या बात की, उनसे क्या पूछा। टीएमसी के कई जो झंडा इस वक्त उठाए हुए हैं वो दरअसल भाजपा के आदमी हैं, आप विश्वास नहीं कीजिएगा। मेरे मित्र के एक पिताजी हैं जो खुद टीएमसी का झंडा उठाया हुआ, उसका कारण है वो जिस मोहल्ले में रहते हैं टीएमसी के लोग ज्यादा हैं, आप समझिएगा बात को, उनके जान को खतरा है। इसीलिए आप हर ओपिनियन पोल में जाएंगे वहां पे ये कह रहे हैं कि 15-20% लोग जो है ये अनडिसाइडेड है। अब इसमें मैं मानता हूं कि अगर बीजेपी का वोट शेयर 43% जो कि मुझे लग रहा है या सीएनएक्स को भी अब लग रहा है पहुंच चुका है, और अनडिसाइडेड में 10% यहां वहां है, तो मेरा ओपिनियन पोल गलत हो जाएगा। तब बीजेपी इस कंडीशन में 180 से 200 सीटें जाएंगी, मैं अभी वर्तमान कंडीशन की बात कर रहा हूं, और यह हर जगह हो रहा है। तो यह अनडिसाइडेड पीपल नहीं है, यह जानबूझ के बोल नहीं रहे कि किसको वोट किया जाए, क्योंकि चेहरा सामने आ जाएगा तो समझ सकते हैं परेशानी हो सकती है, उनके परिवार को परेशानी हो सकती है। जैसे मेरे मित्र का कैमरा वैमरा तोड़ दिया गया था जो एकमात्र उसके जीवन का कारण था, तो टीएमसी की गुंडागर्दी है। चौथा फैक्टर जो कोई ओपिनियन पोल नहीं बता रहा है, जो पार्टी सत्ता में होती है उसके वोटर ज्यादा वोकल होते हैं, इसलिए आपको ममता बनर्जी इस वक्त 42% पे दिख रही है। वास्तविकता की धरातल पे ममता बनर्जी लगभग 38% वोट शेयर पे जा चुकी है, ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए। यानी फाइट हो रहा है कहां 42-43% वहां वर्से 38-40%। अब आप समझिए कि मेरा पोल 160 से 180 क्यों करीब, वैसे पीपल्स पल्स के मैं ओपिनियन पोल को मैं मानता हूं वो सही हो सकता है,
क्योंकि उन्होंने ग्राउंड पे जाके वही कुछ देखा है। 183 भी सीटें आ सकती है, यानी अब मुझे अपने ओपिनियन पोल का दायरा बढ़ा के 160 से 190 कर देना चाहिए, क्योंकि ये फैक्टर मुझे हमेशा से लग रहा था कि यार टीएमसी के वो लोग भी तो झंडा नहीं उठाए हुए हैं जो बीजेपी के समर्थक हैं। मेरे दोस्त के पिताजी से जब मेरी बात हुई और उन्होंने अपनी मजबूरियां गिनवाई और उन्होंने कहा कि हमारे मोहल्ले में 10% ऐसे लोग हैं, 20% ऐसे लोग हैं, तो मेरा दिमाग फट गया। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या टीएमसी में इस वक्त कितने प्रतिशत लोग हैं जो ऐसा झंडा को उठाए घूम रहे हैं? तो बोले बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं। यानी इसका मतलब यह है कि हम जो सुन रहे हैं कान पे, वो बंगाल की जनता असल नहीं है। और तीसरी बात, जो कुछ लोग अपने ओपिनियन पोल में हंग असेंबली दे रहे हैं, आपको समझना होगा कि बंगाल की जनता बहुत समझदार है। उसने 1971 के बाद कोई हंग असेंबली का झमेला पाला ही नहीं है, तो इस बार भी हंग असेंबली नहीं होगा। ये जो बीजेपी को आप लोग 130, 35, 140 दिखा रहे हैं, वो आप समझ नहीं रहे हैं। आप उनको 92 से घसीटते हुए यहां तक लेके आए हैं। अब जब सातवां चरण, आठवां चरण का चुनाव हो जाएगा, उसके बाद जब आप एग्जिट पोल देंगे फाइनल, वो पोल जो है बता देगा कि बीजेपी 180 ही आ रही है। इसलिए दोस्तों आप अपने नेतृत्व पे भरोसा रखिए। अब वो बात जो मैंने वीडियो के शुरू में कही थी कि क्या बंगाल में भगवा ध्वज 800 सालों के बाद लहराएगा। सबसे पहले मैं बता दूं कि भगवा ध्वज का ताल्लुक मेरा जो है बीजेपी से था, क्योंकि उसके ध्वज का कलर जो है भगवा है। समझना पड़ेगा बंगाल के इतिहास को। जब सिकंदर अटैक कर रहा था तो गंगा हृदयी जो है वो शासक थे, मगर बंगाल का असल उत्थान मौर्य और गुप्त काल में हुआ, क्योंकि वो भारत के जो है मतलब पाटलिपुत्रा और बिहार के साथ था। उस वक्त बंगाल जो है और बिहार अलग नहीं था। इसके बाद बंगाल का और उत्थान जो है 400 सालों तक शासन करने वाले पाल वंश ने किया है। पाल वंश के समय व्यापारिक रूप से बंगाल बहुत मजबूत हुआ, क्योंकि उसके पास ऐसी भौगोलिक स्थिति है, वो चटगांव हो, ढाका हो, वो सब जो है नहर और समंदर का पूरा उसके ऊपर अधिपत्य था। और भारत के लोग उस वक्त बड़े बड़े जहाज पानी के बनाना सीख चुके। लगभग 150 सालों तक सेन वंश भी चला है। तो उसके बाद जो है इलियास वंश, उसके बाद हबशी वंश, हुसैन वंश, ये तमाम मुसलमानों के शासक 1350 के बाद शुरू हो गया। जब पलासी का युद्ध चल रहा था 1757 में, रॉबर्ट क्लाइव मात्र 2000 सैनिकों के साथ आया था, और ये 2000 सैनिक अंग्रेज जो है वो सिराजुद्दौला पे भारी पड़े, ऐसा नहीं था। बंगाल की जनता इन इस्लामिक आक्रमणकारियों के बाद जो उनकी कला, संस्कृति, पहचान लगातार सप्रेस की जा रही थी, उससे ऊब गई थी। उन्हें फर्क नहीं पड़ रहा था कि रॉबर्ट क्लाइव की सरकार आ जाए, ईस्ट इंडिया कंपनी उन पर राज करे, या सिराजुद्दौला। तो ये कहना कि भारत के गुलामी की शुरुआत 1757 के पलासी युद्ध से हुई, ये इतिहासकारों का गलत वर्णन है। गुलामी की दास्तान बंगाली हिंदुओं की और जो वास्तविक भारतीय बंगाली हैं उनकी शुरुआत जो है 1350 के मध्य से शुरू हो गई थी। यानी बंगाल के साथ अन्याय की दास्तान 1350 ईस्वी से ही शुरू हो गई थी। इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि क्या बंगाल में 800 सालों के बाद भगवा ध्वज लहराएगा, क्योंकि इसके बाद लेफ्ट की सरकार आई। लेफ्ट सो कॉल्ड रूप से धार्मिक विचारधाराओं वाली सरकार नहीं है, वो कहती है धर्म तो अफीम है। ये बात और है कि अभी लेफ्ट के लोग जगह जगह दुर्गा पूजा वगैरह सब कर रहे हैं, पर यही लेफ्ट है जो मूर्ति पूजने के वजह से ही अपने कार्यकर्ताओं को पार्टी से बाहर कर देती थी। ये छुपा हुआ नहीं है इतिहास में और ज्यादा पहले का भी नहीं है। और ममता बनर्जी भी साथ में आई तो वो हमेशा उनका जो सिंपैथी है, कॉर्नर है, वो इस्लाम की तरफ ही झुका रहा। कांग्रेस शुरू से ही हिंदू विरोधी थी और है, इसमें कोई संशय नहीं है। इसीलिए मैंने पूछा कि क्या 800 सालों के बाद भगवा ध्वज लहराएगा। अगर आपको लगता है तो कमेंट में जय श्री राम का नारा लगाइए, आपको लगता है तो समर्थन कीजिए। जय श्री राम।